नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मसलिया प्रखंड प्रांगण में गुरुवार को जनता दरबार आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला भू अर्जुन पदाधिकारी संजय पीएम कुजूर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जनता दरबार में शिक्षा, कल्याण, बाल विकास परियोजना, मनरेगा, आवास, पेयजल एवं स्वच्छता, आपूर्ति, पेंशन, कृषि, पशुपालन, स्वच्छ विभाग का स्टॉल लगाया गया है। मुख्य रूप से उपस्थित भू अर्जुन पदाधिकारी संजय पीएम कुजूर ने बताया, सरकार द्वारा जनता दरबार लगाने का पीछे मंशा ये है कि जनता की समस्या सीधे तौर पर प्रशासन के समक्ष पहुंचे और वैसे समस्या का निराकरण तुरंत हो जो संभव है। इस अवसर पर बीडीओ संजय कुमार ने कहा, जनता अपना समस्या लेकर जनता दरबार में आकर समस्याओं को रखे, समस्या का समाधान किया जाएगा। सरकार जनता के हित के लिए ऐसे कार्यक्रम महीना में एक बार कराने की और पहल की है। जनता दरबार में पेंशन से संबंधित 216 आपूर्ति 57 आधार 38 सहित सभी स्टॉल आवेदन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हरोर आईडी पंचायत के 78 लाभुकों के बीच निशुल्क गैस चूल्हा का वितरण किया गया। मौके पर 20 सूत्री अध्यक्ष सुभाष चंद्र दास, प्रमुख दुलाली सोरेन, सीआईसीसी चक्रवर्ती, बीपीओ सुलेमान हासदा, नाजिर हेम्ब्रम, उषा किरण हासदा, ए विकास कुमार, डॉक्टर कुणाल पांडे, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर दिलीप महतो, मनोज चांद, अरुण मिंज, शोभा भगत सिंह, अनेकों लोग मौजूद थे। दुमका से मिलन साधु की एक रिपोर्ट।